नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव कीड़े के इस नए शो में जिसका नाम है किस्से कहानी, जहां हम लाते हैं हिंदी भाषा में कुछ किस्से कहानियां। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज की कहानी मेरे एक बेहद करीबी दोस्त और बेहद होनहार डेंटिस्ट डॉक्टर स्वप्निल चौहान की जिंदगी पर आधारित है। आज की कहानी का नाम है खिड़कियां। अस्पताल की खिड़की के पास बैठकर बारिश की बरसती हुई ठंडी बूंदों को देखते हुए मैं अक्सर उन्हें खो जाता हूँ और खुद से पूछता हूँ, मैं ढूंढने को जमाने में जाने क्या निकला। ये बारिश ही तो है जो इस शहर से मिला हुआ पहला दोस्त है। मुझे आज भी याद है, मैं अपने घर में बैठा हुआ 12th के वेकेशन में टीवी देख रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर एक आवाज आती है, स्वप्निल चौहान। मैं अपना ही नाम सुनकर मानो आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि मेरे घर पे कभी मुझे किसी ने स्वप्निल कहकर नहीं पुकारा था। गांव और घरवालों के लिए तो मैं उनका मनिया ही था। उन दिनों मैंने कई सारे कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरा हुआ था। मैंने देखा तो दरवाजे पर एक शख्स उन अर्जियों का जवाब एक चिट्ठी में बंद करके ले आया था। मैंने उसे वो चिट्ठी ले ली और उस शख्स को थैंक यू कहा। मैंने जैसे ही चिट्ठी को खोला, माँ ने किचन से आवाज लगाई, कौन था मनु? मैं चिट्ठी पढ़ने में इतना खो चुका था कि मुझे माँ की आवाज भी नहीं सुनाई दी। तभी माँ ने किचन से बाहर आकर कहा, अरे चिट्ठी, किसकी चिट्ठी है? आई, मेरा बॉम्बे की मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है, मैंने अपनी माँ से कहा। गांव में मुंबई अभी तक बॉम्बे ही कहलाता था। लोगों को लगता था कि जो शहरों में जाते हैं वो वहीं गुम होकर रह जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। इसी डर के साथ साथ एक हाथ से सिले हुए थैले में कुछ किताबें, कुछ कच्चे सपने, कपड़े, कुछ ज़रूरी सामान और एक सोलापुरी चादर पैक करके मैं बॉम्बे की ओर निकल पड़ा। ट्रेन का सफ़र तो खिड़की के बाहर के नज़ारे देखते देखते कट ही गया, लेकिन असली सफ़र तब शुरू हुआ जब ट्रेन अपने मुकाम पर पहुँचने वाली थी, बॉम्बे। मैं अपने थैले को लिए अपने आप को हिम्मत देता हुआ जैसे ही ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा, मानो एक भूचाल सा आ गया था। मैं कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही बहुत सारे लोगों के बीच में यहां से वहां खुद को टकराता हुआ पाया मैंने। जैसे तैसे करके मैं ट्रेन से उतर तो गया, लेकिन मेरा वो थैला, वो बेचारा प्रेशर नहीं झेल पाया। बिल्कुल मेरे ही मन की तरह डरी हुई हालत में वो सोलापुरी चादर भी उस थैले के ताज़े फटे हुए छेद में से बाहर झांकने लगी थी, मानो वो भी मेरी तरह मिले जुले भावों से बॉम्बे को देख रही हो। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखने लगा, बॉम्बे की बरसात मानो मेरा स्वागत करने आ गई हो। मैंने अपने पैंट को घुटनों तक फोल्ड किया और बिना छाता भीगते हुए ऐसे ही निकल पड़ा। गाँव में रहते हुए बॉम्बे के बारे में सुना था कि यहाँ गुंडों का राज चलता है, वो एक डर भी इस शहर में मेरा हमसफर बना हुआ था। बारिश की बूंदों ने मेरे चश्मे को इस कदर धुंधला कर दिया था कि हर आता जाता शख्स मुझे डॉन ही नजर आता। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने एक उम्रदराज व्यक्ति से रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे एक बस में चढ़ा दिया और कंडक्टर को मेरा स्टॉप बता दिया। मैं बस में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। रास्ते भर मैं बार बार कंडक्टर से कहता, मेरा स्टॉप आए तो मुझे बता देना, और दोबारा से खिड़की के बाहर के नज़ारों में खो जाता। अभी मैंने बॉम्बे की खूबसूरती को आंखों में भरना शुरू ही किया था, तभी शहर ने अपनी एक नई अदा का जादू मेरे सामने बिखेर दिया। मेरी आंखों ने पहली बार समंदर को देखा था। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था वो था समंदर, समंदर के बीचों बीच हाजी अली की दरगाह और तेज़ बारिश। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। वहाँ कंडक्टर बार बार मेरे स्टॉप का नाम पुकार रहा था। उसके सब्र का बांध टूटते ही वो मेरे पास आया और बोला, ओ हीरो, उतर जा, तेरा स्टॉप आ गया है। जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा, वहाँ सब एकदम टिप टॉप नज़र आ रहे थे। अभी मेरा दिमाग कुछ समझ ही पाता, उतने में एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, क्या मांगता है? मेरे कानों के लिए वो वाक्य कुछ अटपटा सा था।
तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे पास आकर कहा, क्या मांगता है, किधर जाने का है? मैंने उसे वो लेटर दिखाते हुए कहा, एडमिशन। उसने मुझे सातवें माले पर जाने को कहा। उस दिन मानो जिंदगी ने ठान ही लिया था कि मुझे ढेर सारे नए अनुभव करवा के ही मानेगी। अगर बॉम्बे मेरे लिए अमरीका था तो लिफ्ट मेरे लिए हवाई जहाज। मेरा वो थैला अब भी मेरे कंधे पर लटका ही हुआ था और उसमें से झांकती हुई वो सोलापुरी चादर भी उन सारे नए अनुभवों का आनंद ले रही थी। मैं आने जाने वाले हर शख्स को देखता और हर शख्स मुझे। सातवीं मंजिल पर जाकर मैंने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी। अब था सवाल बॉम्बे में रहने की जगह ढूंढने का, जो आज भी कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे गांव में रहने वाले एक शख्स इस कॉलेज में डॉक्टर थे और गांव से आने वाले हर विद्यार्थी की मदद भी करते थे। मैंने दोबारा उस सिक्योरिटी गार्ड से जाकर पूछा, डॉक्टर खरसन साहब कहाँ मिलेंगे? उसने कहा, दूसरे माले पे। मैं जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, सब मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने कोई विचित्र प्राणी देख लिया हो। क्या अलग है ऐसा मुझ में, ये सोचते हुए मैंने अपने आप पर नजर डाली। देखा तो मेरी शर्ट मेरे बदन से पूरी तरह चिपकी हुई थी। मेरी पतलून की एक तरफ नीचे तो दूसरी तरफ घुटने तक आई हुई थी। मेरे चश्मों में धुंध और बूंदों ने अपना बसेरा सा ही बसा लिया था और मेरा थैला, उसका हाल तो आप जानते ही हो। खरसन साहब को गांव से आने वाले लड़कों का काफ़ी अनुभव था, इसीलिए उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा, हाँ हॉस्टल। और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में हॉस्टल का नाम और रूम नंबर लिख के दे दिया। पर मुझे कहाँ पता था इतने बड़े ज़माने में ये छोटी सी हॉस्टल कहाँ मिलेगी। तभी एक लड़की से जाकर मैंने हॉस्टल जाने का रास्ता पूछा। उसने जो रास्ता मुझे बताया मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो उसने एक पेपर में पूरा एड्रेस और वहाँ कैसे पहुँचना है साफ साफ शब्दों में लिख कर दे दिया। उस दिन बॉम्बे के बारे में एक नई बात समझ में आई कि यहाँ दूरियाँ किलोमीटर और मीटर में नहीं बल्कि मिनटों और घंटों में नापी जाती हैं और बसें अपने मंजिलों के नाम के बदले नंबरों से पहचानी जाती हैं। जिस हॉस्टल में मैं रहता था वो एक कंबाइंड हॉस्टल था, यानी लड़का लड़की दोनों एक ही हॉस्टल में रह सकते थे। मुझ पर भी धीरे धीरे बॉम्बे का सुरूर चढ़ने लगा था। अब बॉम्बे मेरे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई बन गया था और मैं गांव के मनिया से बेहद दूर मुंबई का चीता बन गया था। बदमाशों से डरने वाला मैं खुद आज कॉलेज का दादा बन चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए थे। अब मेरे पास दोस्त नहीं बल्कि दोस्तों का पूरा झुंड था। मैं अक्सर क्लास में कम और कैंपस में अपने लफंगे यारों के साथ ज़्यादा पाया जाता था। मुझे आज भी याद है उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे ग्रुप के सभी लड़के लड़कियों ने मुझे आकर विश किया था। मैंने सभी को शाम को होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट किया था। कुछ देर बाद मुझे उन लड़कियों के रूम में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की ने आकर आवाज़ दी, हाय मैं स्नेहा, अनीता की रूममेट। आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। मेरे कानों में एकदम से नमस्ते लंदन का वो गाना गूंजने लगा, यही होता प्यार क्या मेरे दिले बेकरार। उस लड़की में मैं इतना खो गया था कि बस थैंक यू ही बोल पाया। उसके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तो उसे पार्टी के लिए इनवाइट ही नहीं किया। शाम को पार्टी में सभी दोस्त आए लेकिन मेरा दिल अब भी बेकरार था। वो जो वहाँ नहीं थी, पर अचानक उसका वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखकर मेरे जान में जान आ गई। सॉरी, मैं बिना बुलाए ही चली आई, भी अनीता ने फोर्स किया, स्नेहा ने घबराते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैं बातों में इतना खो गया था कि तुम्हें इनवाइट करना ही भूल गया, सो आई एम सॉरी। बर्थडे के दिन सॉरी नहीं कहते, उसने मुझे समझाते हुए कहा। उस दिन हमारी पहचान
दोस्ती में बदल गई थी, और ये दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। मेरे अंदर की आग मानो हॉस्टल में जगह जगह फैल गई थी कि मैं स्नेहा को पसंद करने लगा हूँ, पर कोई खुल के ये बात मेरे सामने नहीं कहता था, क्योंकि सब डरते थे, पता नहीं मैं कब किस बात पे कैसे पेश आऊँ। लेकिन हम दोनों के दोस्त उन दिनों बहाने बड़े बनाने लगे थे, ताकि हम एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिता सके। एक दिन मैं स्नेहा की रूम की खिड़की के पास गया और हिम्मत जुटाकर अपने दिल का हाल कह दिया। सुनो, मुझे बातें बनानी नहीं आती, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, साफ साफ अपनी बात कहूँगा। ये अफेयर वगैरह मेरे समझ के बाहर है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, सोच के बताना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने दिल की बात कहकर मैं वहां से चला गया। अगले दिन मुझे एक आदिवासी गांव में मेडिकल कैंप के लिए जाना था। मैं कैंप में पहुंचा ही था कि मेरा फोन बजा। जब मैंने स्नेहा का नाम देखा तो मुझे कल रात का वो वाकया याद आ गया। मैंने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए बड़ी गंभीरता से फोन उठाकर कहा, हेलो। तभी उसने थोड़ी दबी हुई आवाज में कहा, अच्छा सुनो, कोई तुम्हारे आसपास तो नहीं है? मैंने अब भी गंभीरता बरकरार रखते हुए कहा, नहीं तो। उसने अगली लाइन बड़ी तेजी से बोलकर कॉल काट दी, और वो अगली लाइन थी, मैं तैयार हूं। मैंने वो पूरा दिन इस हड़बड़ाहट में निकाला कि कब मैं दोबारा हॉस्टल पहुंचूं और कब उसे देख लूं। उस दिन मैं हम दोनों के लिए फरमान मियाँ की दम बिरयानी ले गया था, वही बेकरारी आज भी है, और आज भी मैं फरमान मियाँ की दम बिरयानी ही लेकर आया हूँ, क्योंकि आज स्नेहा ने मेरे बेटे को जन्म दिया है और हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। जितने की उम्मीद की थी जिंदगी में, उससे कई ज़्यादा पाया। मनिया से चीता और चीता से डॉक्टर स्वप्निल तक का सफ़र ऐसे ही चलता आया। पर अस्पताल की खिड़की के पास बैठकर बारिश की बरसती हुई ठंडी बूंदों को देखते हुए मैं अक्सर उनमें खो जाता हूँ और खुद से पूछता हूँ, मैं ढूंढने को ज़माने में जाने क्या निकला। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक दबाएं, और क्या पसंद आया है अगर ये बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।